हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द डेरिवेशन ट्री। बेटा डेरिवेशन ट्री पहले देखेंगे क्या होता है। डेरिवेशन ट्री जो है बेटा वो किसके बेस पे बनता है हमारा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तुम्हें याद होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम पहले कर चुके हैं। हियर द ग्रामर इज डिफाइंड बाय फोर टपल्स, दीज आर वी एन सेट ऑफ वेरिएबल्स, सिग्मा सेट ऑफ टर्मिनल्स, पी सेट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम रूल्स बोलते हैं, एंड एस स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। क्लियर है जी? ये चार हमें क्या दिए होते थे, चार हमारे टप्पल्स होते थे जिसके बेस पे ये ग्रामर बनती है। और इस ग्रामर के बेस पे जब हम डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं और जो ट्री बनता है दैट इज नोन एज अ डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री इज ऑल्सो नोन एज अ पार्स ट्री। बेटा इसमें क्या है, हर एक जितना भी एवरी वर्टेक्स हैज अ लेबल, जो भी लेबल होएगा या तो वो वेरिएबल होएगा या टर्मिनल होएगा या नल होएगा। फर्स्ट कंडीशन समझ आई? जितने भी लेबल्स यूज करोगे या तो वो वेरिएबल होएगा या टर्मिनल होएगा या नल होएगा। और जो रूट स्टार्ट होएगा बेटा, रूट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एस। क्लियर? थर्ड क्या है हमारा कि जो लेबल है इंटरनल वर्टेक्स भी होते हैं उसमें, एक्सटर्नल वर्टेक्स भी होते हैं। क्लियर? और जो वर्टेक्स लास्ट में होंगे, लीफ में होंगे, वो ऑलवेज कौन से होंगे, हमारे टर्मिनल सिंबल्स। क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? बेटा टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के बेस पे हम लोग समझेंगे कि हाउ टू ड्राइव द डेरिवेशन ट्री। लाइक टेक एग्जांपल, कंसीडर अ जी हुज प्रोडक्शंस आर एस अप्रोचेस टू ए, एस अप्रोचेस टू ए, दीज आर द प्रोडक्शन, ए अप्रोचेस टू एस बी ए, एस एस बी ए, शो दैट एस इज इक्वल टू ए ए बी बी ए ए। हमने ये वाली प्रोडक्शन को क्या करना है, शो करना है। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ डेरिवेशन ट्री। बेटा सबसे पहले हमने इन प्रोडक्शन को यूज करके ये बनाना है। तो पहले सबसे पहले हमें पता स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एस से ही शुरू करते हैं। तो एस की दो प्रोडक्शन दी हुई है, एक दी हुई है एस अप्रोचेस टू ए ए एस, एक दी हुई एस अप्रोचेस टू ए, स्लैश मींस आइदर यूज दिस वन और दिस वन। बेटा अगर तो मैं ये लेती हूँ तो क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म हो जाता है एस अप्रोचेस टू ए, क्योंकि टर्मिनल के आगे कुछ भी नहीं होता। तो आई विल टेक दिस वन, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रिंग बनाना ना, तो आई विल टेक एस अप्रोचेस टू ए ए एस। क्लियर? नाउ ए को बेटा हमने रिप्लेस करना है। ए को रिप्लेसमेंट राजे, ये देखो यहाँ पे आइदर यू हैव टू यूज दिस और यू हैव टू यूज दिस और यू हैव टू यूज दिस। तो मेरे को पता है कि मेरे को प्रोडक्शन जो है आगे भी चलानी, तो मैं क्या ले रही हूँ एस अप्रोचेस टू दिस वन, मतलब ए को मैं रिप्लेस कर रही हूं। ए इज रिप्लेस्ड विद, नेक्स्ट किसके साथ रिप्लेस कर रही हूँ बेटा, मैं इस ए को रिप्लेस कर रही हूँ विद द प्रोडक्शन दैट इज एस बी ए, और ये एस आ गया मेरा एज इट इज। यहाँ पे रीजन भी लिखो, बिकॉज ए अप्रोचेस टू क्या दिया हुआ है, एस बी ए। नौ बेटा देखो इसके साथ मैच करो, ए आ गया। अब मैं अगर इस एस को ए के साथ रिप्लेस करती हूँ तो मेरा ए ए आ जाएगा। नौ रिप्लेस दैट, एस अप्रोचेस टू ए बी ए एस, कैसे आया, बिकॉज एस अप्रोचेस टू ए प्रोडक्शन मेरे को दी हुई थी। तो एस अप्रोचेस टू ए प्रोडक्शन दी हुई है, तो बेटा आई हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ चेक नेक्स्ट वन। अब मेरा कहाँ तक आ गया, ए स्ट्रिंग आ गया, ए स्ट्रिंग आ गया, बी आ गया। नाउ ए की रिप्लेस करना है मैंने बी के साथ, तो देखो इनमें से कौन सा यूज करूंगी, बी। तो नाउ ए, बेटा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को देख देख के सॉल्व करना है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लेना। अदरवाइज अगर स्ट्रिंग नहीं दिया देन यू कैन गो विद योर ओन। हियर इज बी ए और साथ में क्या आ गया बेटा, एस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, अब मेरे को क्या करना है बेटा, एस को रिप्लेस करना है, एस को ए के साथ रिप्लेस कर दो। यहां पर लिखो बिकॉज ए अप्रोचेस टू बी ए, बेटा अब एक ही कमी है, ए ए बी बी ए ए, क्यों, बिकॉज एस अप्रोचेस टू ए। क्लियर? ये मेरा बन गया ना, यही मेरे को चाहिए था, ए ए बी 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 ए। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन। अब बेटा मेरे को देखना है कि इस डेरिवेशन के बेस पे मैं अपना जो सॉरी ये जो मैंने ड्राइव करी है, अपना जो ये स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, इसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री इज ऑल्सो नोन एज अ पार्स ट्री। सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन क्या ली थी बेटा, एस अप्रोचेस टू, प्रोडक्शन देखो फर्स्ट वन कौन सी थी, एस अप्रोचेस टू ए बी एस। तो टेक हियर, एस अप्रोचेस टू ए ए एस। सेकंड में मैंने क्या किया था, ए को रिप्लेस कर दिया था विद एस बी ए,
replaced A with S B A. होप यू अंडरस्टैंड वट आई एम डूइंग. समझ आई बेटा. नाउ एस को रिप्लेस कर दो ए के साथ. एस को रिप्लेस कर दो ए के साथ. जो जो मैंने इसमें करा है डेरिवेशन में वही करना है. उसके बाद मैंने क्या करा था, ए को रिप्लेस कर दिया था विद बी ए. ए को रिप्लेस कर दिया विद बी एंड ए. एस को रिप्लेस कर दिया था लास्ट में विद ए. दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ट्री. ये क्या बन गया हमारा, दिस इज नोन एज अ डेरिवेशन ट्री. क्लियर, समझ आई बेटा. अब जो डेरिवेशन ट्री है ये फर्दर बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. डेरिवेशन ट्री कौन कौन से होते हैं, एक तो सिंपल हम बोलते हैं डेरिवेशन ट्री जो किसी भी डायरेक्शन में तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंडली क्या होते हैं हमारे, लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जिसमें हम जो लेफ्ट मोस्ट होते हैं ना वेरिएबल्स उनको पहले चेंज करते हैं. और कौन से होते हैं हमारे, राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. बेटा उसमें क्या है, जब हम सोल्यूशन देंगे तो राइट मोस्ट वेरिएबल को पहले सॉल्व करेंगे. आई विल गिव अ एग्जांपल फॉर दिस आल्सो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन ट्री, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट एंड हाउ टू ड्राइव. होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया कि डेरिवेशन ट्री क्या है बेटा, कैसे ग्रामर पे एप्लीकेबल होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डेरिवेशन के बेस पे हम जो हम अपनी ग्रामर को सॉल्व करते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग आता है उसके बेस पे डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक द लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू बेटा.